शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आओ रवि। हेलो। हेलो राजन। वेलकम वेलकम। तुमने यहाँ आकर हम सब पे बहुत एहसान किया है। अरे आओ, तुमको अपनी माँ से मिलाता हूँ। आओ माँ। माँ इनसे मिली। ये है मेरे दोस्त रवि, और रवि ये है मेरी माँ, जिनके कदमों के नीचे ही मेरी जन्नत है। बेटा, तुझे गले लगाते ही माँ के कलेजे को ठंडक पड़ गई। तुम्हारे कदमों में जन्नत है माँ, भटके हुए को भी मंजिल मिल जाती है। क्यों जी मम्मी। रवि इधर आओ, हम तुमको अपने प्यार से मिलाते हैं, लेकिन जरा दिल थाम कर रखना, बिजली गिर जाएगी। काजल। क्यों, क्या ख्याल है? आज तुम्हारी सारी बातें सच हो रही हैं। खुश खो बैठा हूं मैं, जानता था। एक मिनट काजल, काजल चलो जरा दिलों पे छुरी चलाने की रस्म भी पूरी कर ले। क्या कम 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 कम। हैप्पी बर्थडे टू यू। ठोकरें थी मेरे बच्चे, और सहारा कोई ना था। फिर राजा एक बेटा बनकर आया, और मेरे कहने पर रवि, काजल ने वक्त के आगे अपना सर झुका दिया। पर तू था कहाँ मेरे बेटे, तू कहाँ था? कौन जाने कहाँ था माँ। बहुत से दिन, महीने मेरी जिंदगी के कैलेंडर से किस्मत में फाड़ के फेंक दिए थे। जान बच गई। वक्त का दरिया न जाने मुझे कहाँ बहा ले गया। सब भगवान। कुछ गांव वालों ने मुझे बचाया। ये तो बस तेरी भक्ति और कर्मों का फल था माँ, जो मैं बच गया। जान तो बच गई, लेकिन होश न था। और जब होश आया तो तुम लोगों की याद आई। जब याद आई तो हवेली पहुंचा। हवेली सुनसान, मुंह खोले दर्द की कहानी सुना रही थी। कौन है भाई? तो कुंवर जी, आपकी मौत की खबर सुनने के बाद धरेंद्र प्रताप ने माँ जी और बहू रानी पर बहुत जुल्म ढाए। पता नहीं अब वो जिंदा भी हैं या। और आप लोग आज मिले भी तो। कितना बड़ा अनर्थ हो गया मेरे हाथों, उससे कितना बड़ा अनर्थ हो गया बेटे। रोशनी आ गई। हाँ रोशनी आ गई, रोशनी आ गई। और एक मेहरबानी और कर दो दोस्त, मौका भी है, दस्तूर भी है, आज तुम कुछ अपने कहो और हम सब सुने। ने कितना दूर कर दिया है ना हमको। जमाने ने मुझसे यह अधिकार छीन लिया कि मैं तुम्हें सुनू कहूं। इसमें कसूर किसका है बता सकते हो रवि? मेरा, तुम्हारा या किस्मत का? मैं तो एक बेजुबान कुड़िया की तरह हमेशा खामोश खड़ी रही,
तुम मेरी जिंदगी में बाहर बनकर आए और मौत बनकर चले गए, लेकिन मैं अंधेरे और उजाले की चौखट पर खड़ी हमेशा तुम्हें पुकारती रही। पर मैं ठहरी औरत जात अपने बारे में कैसे फैसला कर सकती थी? हाँ, और मेरी किस्मत देखो काजल, मैं मरकर भी ना मर सका और ना जी कर जी सकता हूँ। मौत आती है तो आग चुरा कर निकल जाती है। हालात ने मुझे कैसे दोहराए पर लाकर खड़ा किया है। अब तुम आए हो तो फैसला करके जाओ रवि। मैं ना ही खुदा हूँ और ना ही कोई भगवान। अब तो शायद मैं इंसान भी नहीं रहा, बस एक परछाई बनकर रह गया हूँ। जो गुजर गया उसे तो मैं बदल नहीं सकता। तुम्हें तुम्हारा आज मुबारक हो। चलो माँ, चले। हाँ बेटा, यही मुनासिब है। तू खुश रहे मेरी बच्ची, आबाद रहे, दुनिया की सारी खुशियां तुझे मिले। चल बेटे। राजा मेरे दोस्त, कुदरत के कानून को बदलने की कोशिश मत करो। तुम नहीं बदल सकते, दुनिया की कोई भी ताकत इसे नहीं बदल सकती। अरे मैं तो गुजरा हुआ कल हूं, लेकिन तुम हो काजल का आज। कल आज मैं कभी बदल नहीं सकता। राजा, चलो मां। धीरेंद्र प्रताप की जिंदगी जीत चुका है शर्मा जी, उसे मैं अब नहीं छोड़ूंगा। उसे मेरे अपनों को बहुत तकलीफ पहुंचाई है, और फिर मुझे भी तो अपनी जिंदगी से कुछ काम लेना है। कौन हो तुम लोग, अंदर कैसे चले? आपन तुम्हारे वास्ते धीरेंद्र प्रताप का मैसेज ला रहे हैं। ज्यादा गर्मी दिखाने का कोई काम नहीं है, काजल अपन का कब्जा में है, समझा? काजल जी, कितनी खुशी हो रही है आप लोगों को जिंदा देखकर। रवि बेटे, तुम्हें तो सचमुच गले लगाने को दिल करता है। कहां चले गए थे मुझे अकेला छोड़कर? कमबख्त, मौत भी तुम्हें रास नहीं आई। बार बार ये कर्म मुझसे क्यों करवाते हो तुम? काजल और राजा का है? इतनी जल्दी क्या है बरखुरदार, थोड़ा इंतजार करो। मैंने जायदाद के लिए जिंदगी भर इंतजार किया है। भाभी, आपको इन कागजात पर दस्तखत करने होंगे। मेरे जवान बेटे की मौत की जरा सी कीमत है ये। पहले काजल और राजा। मेरे मासूम बच्चों को छोड़ दो, मैं दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ। देखा, भाभी हमारी सबसे ज्यादा समझदार है, हमेशा मेरी बात मानती रही है। Thank you.
दुनिया की नजर में मरे हुए लोग कभी जिंदा नहीं होते, वरना जिंदगी खुद परेशान हो जाती। लड़की फिर से विधवा हो जाएगी। डॉक्टर का लेसन लगाने का चाचा